फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से कि मैं खुश हो गई अभी, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था कि आजा भाई इधर, ये भाई का आईडी आ चुका है देखो भाई देखो, मेरा फाइनली और बैग दिखा। इमरेट्स आईडी आ गया। और देखो इसमें देखो, सैयद इसके असमान। लिए मैंने बहुत बहुत मेहनत किया, फाइनली आज मेरे हाथ में आ गया। इसके लिए बहुत दूर दौड़ धूप हुआ। और तुम ये बताओ पब्लिक को कि मैंने तुमसे पैसा लिया है अभी तक? नहीं यार, ऐसे बात मत करो। ये आदमी जो है सिर्फ इंसानियत के नाते जो हो सकता है, जिसको वो पसंद, मन से इसको जो पसंद आता है तो गौतम भाई उसी को हेल्प करता है। उसका अपने मन में जो उसका हाँ लगता है कि ये बंदा सही है, ये बंदा को हेल्प करना चाहिए, वैसा ही बंदा को वो अपने हिसाब से चूज करके तो ये वो अपने हिसाब से क्योंकि मैं हेल्प करता सबको है। देखो, ये भाई भी जब आया, मैंने इसको आज तक मैंने ये खुद मुझे कॉल नहीं किया था, बस इसने मैसेज भेजा कि मैं आ रहा हूँ। मैं बोला हाँ ओके आ जाओ, जैसे ही आया और मैंने पिकअप किया, जो मेरे से बना भाई मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे जो बंदा अच्छा लगता है मैं उसी का काम करता हूँ। देखो आईडी भी आ गया अब। सारा काम करना अपने से खुद है, इनको ये सब इतना बता देते हैं कि हाँ इस रास्ते पे तुमको चलना है, तो और बाकी काम खुद करना है। इतना आसान भी नहीं है, ये अनजान अनजान जगह है, हर लोकेशन अलग अलग रहता है, कौन सा जगह कहाँ है उसको ढूंढने में, एड्रेस ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। नए तो बंदे के लिए दिक्कत रहता है, हाँ, तो क्योंकि मैं तो जो साथ में बंदा घूम नहीं सोच रहा सकता है हूँ ना। कि मैं जाऊंगा आसानी से कर लूंगा, ऐसा बात नहीं है भाई, इसमें बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी होता है। आपको दिक्कत से लड़ के तो फिर आगे बढ़ना है, बस वही सोच के जिसको आना है तो आ सकता है, और कल वाले बस यही वीडियो ने कहना जिसने चाहूँगा। देखा है वो कल वाले वीडियो के सिफारिश में करूँगा, क्योंकि हमारे कंट्रैक्टर भाई कॉस्ट ज़्यादा लेता है, और मैं झुक भी नहीं सकता हूँ अब, क्योंकि ये भाई के लिए और एक कलकत्ता वाला बंदे के लिए मैं वहाँ पे झुका, तो अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि चलो फिर दो बंदे का काम तो हो गया, इसके वजह से मैं खुश हूँ। और ये भाई ने बता दिया, और दूसरा डॉक्टर साहब है कलकत्ता वाला, वो भाई भी आएगा, वो भाई का भी शायद आइडिया आएगा हाँ, ना। उनका अभी दो या 3 दिन में मिल जाएगा हाँ तो वो शायद। भाई बताएंगे, भाई मैंने आज तक किसी से 1 रुपया लिया नहीं, और मैं एजेंट नहीं, दलाल नहीं, जो मेरे मन में जो लगता है कि हाँ भाई इनको हेल्प करना है तो मैं उसी बंदे को हेल्प करता हूँ। और एक बंदे यार पता नहीं आज मुझे गाली दे रहा था, उसका नाम तो लूँगा नहीं, लेकिन उसने बाद में सॉरी बोला मुझे। भाई मैं ऐसा वो बंदा कि जो बंदा मुझे सही लगता है, मुझे पता है कि वो बंदा बहुत मुश्किल में है, वो आएगा एक दिन आएगा, उसको मैं प्यार से काटूंगा। मैंने उसी को बोल दिया कि भाई तुमको मैं मदद भी करूंगा, लेकिन प्यार से मैं काटूंगा अभी तुमको। ऐसे आदमी को जो कोई गाली देगा ना, उसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, मैं तो यही बोलूंगा बस। जो ये आदमी ये जो है ना, अनजान लोगों के लिए भगवान के बराबर है, रास्ता दिखाने का काम ये कर देते हैं, हम लोग को बस उसमें चलना है, बाकी और सब तुमको खुद करना है। तो कल मैंने जो इनको गाली नया, मत दिया करो यार, कोई भी ऐसे ही फालतू बातें मत किया करो, देखो ये बिहार का भाई है, और बस इनका यही जब कहना नेपाली चाह रहा हूँ। सुनोगे ना। अच्छा ये बताओ, तुम बिहार के हो, नेपाल के बारे में अगर कोई बोलेगा तो बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। लगेगा, क्यों नहीं और लगेगा, इंडिया जरूर के बारे में लगेगा, बोलेगा और भी बुरा और लगेगा भाई, लगेगा। क्योंकि दोनों देश का सिस्टम है कि एक देश के बारे में बात हुआ था, वो वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगा कि भाई वो बंदा तो हरामी है, तो उसके साथ में फिर वे बातें क्यों करूँ, इसलिए मैंने वो प्राइवेट कर दिया वो वीडियो। जो जो बंदे ने देखा है उसको पता है वीडियो के बारे में। तो कल मैं यहीं पे आप ही सभी के बारे में ये समझने के लिए, पूछताछ करने के लिए पे वहाँ पे गया कंट्रैक्टर पे, तो वहाँ से बात चला, तो कुछ बंदे ने शायद कोटा भी ले लिया है, आज मुझे पता चला 4-5 बंदे ने कोटा रिजर्व कर लिया वो गवर्नमेंट कंपनी का राइडर का। तो कल शायद मैं 2 बंदे का वीज़ा निकालने जा रहा हूँ, विजिट वीज़ा निकालने जा रहा हूँ, और मैं ट्रैवल में जाते टाइम पे मैं प्रूफ वही दिखाऊंगा कि फलना बंदे ने मेरे अकाउंट में पैसा भेजा, वो भी बड़ी मुश्किल से। पता नहीं मेरा दिल क्यों किया कि भाई इनको हेल्प चाहिए, एक पाकिस्तान का है और एक इंडिया, ये क्या बोलते पंजाब साइड का है, पंजाब का है, तो वो बंदे का शायद कल पैसा आने वाला है, कुछ अमाउंट आने वाला है, तो उसका मैं वीज़ा निकालने वाला हूँ। तो उन्होंने बात कर ली डायरेक्ट कंट्रैक्टर से जहाँ पे मैं गया था, उनसे बात कर लिया है, तो शायद वो बंदे को अच्छा लगा इसलिए वो पैसा भेज रहा है बहुत विश्वास करके। लेकिन भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई ना, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, इतने पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है,
अब एक बार सोच लो। फिर वो भाई ने बोला कि नहीं नहीं मैं विश्वास करता हूँ, तो वो पैसे भेज रहे कल मेरे अकाउंट में, और जैसे पैसे आएगा और मैं ट्रैवल में एंट्री करूँगा और मैं बताऊँगा कि कितना पैसा आया और कितने पैसे में वीज़ा निकल रहा है। चलो भाई बताओ और कुछ। हाँ भाई, यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी आना है वो आ सकता है, और जो जो भाई ने गाइड किया है उसके हिसाब से आओ। भाई से अच्छे से जो भी बात करता है अच्छे से बात करो, उसको इनको जो पसंद आ जाए, ये इनसे जो होगा वो ज़रूर हेल्प करेंगे, बस यही कहना चाहूँगा। चल भाई, फाइल ओपन होगा इनका? मेरा ऑफिस में मैंने कॉल किया था आईडी आने के बाद, तो उन्होंने बोला कि आप मंडे को आना, आपका डायरेक्ट ऑफ स्कूल में स्कूल लाइसेंस के लिए फाइल ओपन होगा। उसके बाद वही मेरा लास्ट स्टेप है, लाइसेंस हाथ में आ जाएगा तो मेरा ड्यूटी स्टार्ट होगा। चलो भाई, फिर अभी के लिए इतना ही, और फिर वो आपको मैं वीडियो में बताता रहूँगा जब मैं फिर लाइसेंस के लिए होगा, जो मेरे पास वो लाइसेंस वगैरह मिल जाएंगे तो मैं फिर एक वीडियो आपको आप लोग के लिए मैं बना दूँगा। ठीक है, शुक्रिया।